राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए आज कितना सुंदर सा तोरण बनाया है मैंने, बहुत सुंदर लग रहा है बनने के बाद। और बहुत इजी सा डिज़ाइन है, क्रोशिया वर्क बहुत कम है इसमें, बहुत आसानी से बन जाएगा। जिन्होंने अभी अभी क्रोशिया चलाना सीखा है वो भी बहुत आराम से बना लेंगे इसको। ये देखिए मैंने बड़ा तोरण बनाया है, अगर आपको छोटा बनाना है तो आप इतना भी रख सकते हो, इसको एक पार्ट हटा सकते हो इसमें से। ये तीन डिज़ाइन हटा देंगे तो इतना आधा ये छोटा बन जाएगा। ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है बनने के बाद। इसमें कितने मोती लगे हैं, कितने साइज़ के हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। देखिए इसमें मैंने दो कलर की ऊन यूज़ करी है, येलो और रेड। मोटी वाली ऊन है ये तोरण बनाने वाली ऊन। इसमें देखिए तोरण पट्टी बनाने के लिए हमें दो क्रोशिया यूज़ करने हैं। ये पतला वाला क्रोशिया मोती लगाने के लिए 0.75 mm का है, ये 2.5 mm का क्रोशिया है मेरा, इनसे बनाएंगे तोरण। ये देखिए तोरण बनेंगे रेड कलर से तोरण पट्टी। यहाँ से एक नॉट बना लेंगे इस तरह से, इसमें हमें 15 चेन बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 चेन बनानी है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे तीन चेन छोड़ के, 1, 2, 3, 3 छोड़ के चौथी वाली चेन में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। दो हो गए हमारे, ये तीन चेन है जो एक डबल क्रोशिया काउंट होता है, और एक ये वाला हो गया, दो डबल क्रोशिया हो गए। इसमें हमें पांच बनाने हैं, दो डबल क्रोशिया बन गए हमारे, 3, 4 एक और बना लेंगे इसमें, 5। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इसमें हमें मोती लगाना है। तो देखिए मोती कैसे लगाएंगे, ये देखिए 6 mm के मोती है मेरे, ये अमेज़ोन से मंगवाए थे मैंने, मार्केट में भी आराम से मिल जाते हैं ये वाले। देखिए मोती लगाएंगे पतले वाले क्रोशिया से इस तरह से, क्रोशिया हुक में ले लेंगे मोती को और यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे। इसमें से मोती लग गया इस तरह से, देखिए यहाँ पे एक नोट बना देंगे तो ये मोती यहीं रुक जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ से एक चेन छोड़ के, एक छोड़ के आगे वाली में 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं हमें, एक में ही, एक इसी में 4 बना लेंगे इसी वाली चेन में, 2, 3 एक और बना लेंगे इसमें, 4 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब देखिए यहाँ पे फिर से एक मोती लगा लेंगे, इस तरह से मोती डाल लेंगे ऊन में। ये देखिए एक नोट बना देंगे यहाँ पे, मोती रुक जाएगा। अब यहाँ पे भी इधर भी हमें एक चेन छोड़नी है, इधर की साइड भी हमने छोड़ी थी, यहाँ भी एक चेन छोड़ के आगे वाली चेन से बनाएंगे। तो इधर की साइड भी हमें 5 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं, दूसरी साइड भी हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं। 1 हो गया, 2, 3, 4 एक और बना देंगे इसमें, 5 डबल क्रोशिया हो गए। ये देखिए फर्स्ट लाइन हमारी इस तरह से बन जाएगी। अब यहाँ पे 3 चेन बना लेंगे, 1, 2, 3। अब यहाँ से इधर से इधर की साइड घूम जाएंगे। अब यहाँ पे इधर की साइड 5 डबल क्रोशिया हैं और इधर की साइड भी 5 हैं, 5-5 डबल क्रोशिया बनाने हैं हर बार ही हमें। ये एक हो गया, अब आगे वाली चेन में बनाएंगे, 3 चेन एक डबल क्रोशिया काउंट होता है, 2 हो गए, 3, 4 एक और बना देंगे इस वाली चेन में, 5 डबल क्रोशिया के बाद अब हमें मोती लगाना है। मोती ले लेंगे यहाँ पे इस तरह से, मोती ले लेंगे आगे इसमें, यहाँ पे एक नोट बना देंगे तो ये मोती यहीं रुक जाएगा इस तरह से। अब देखिए जो हमने ये 4 डबल क्रोशिया बनाए एक में ही, तो इसके बीच में 2 डबल क्रोशिया इधर, 2 इधर, बीच में बनाने हैं अब हमें इनके, इनके बीच में यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हर बार हमें इनके बीच में ही बनाना है, 1 हो गया, बीच में 4 डबल क्रोशिया, 2 हो गए, 3 एक और बना देंगे, 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से मोती ले लेंगे यहाँ पे, ये देखिए मोती ले लिया यहाँ पे, एक नोट बना लेंगे इस तरह से, मोती रुक जाएगा। अब इधर की साइड हमें 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं, इस वाली चेन से शुरू करेंगे, यहाँ से 5 डबल क्रोशिया बना देंगे इधर की साइड, 1, 2, 3
चार और एक इसके ऊपर बना देंगे लास्ट में पांच, पांच डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से सेकंड राउंड कंप्लीट हो गए। ऐसे ही बनाते जाना है हमें हर बार। तीन चेन बना लेंगे, तीन इस तरह से फिर से घूम जाएंगे। यहाँ पे देखिए मोती लगते चले जाएंगे हमारे। अब यहाँ पे फिर से पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक ही हमारा बन गया, तीन चेन से एक डबल क्रोशिया बन गया। दो पाँच बनाने हैं हमें, तीन चार, एक इसमें बना लेंगे पाँच। यहाँ पे मोती ले लेंगे एक, ये देखिए एक मोती ले लिया आगे, एक नोट बना लेंगे यहाँ पे इस तरह से। अब ये जो हमने चार डबल क्रोशिया बनाए बीच में, इनके बीच में दो इधर बीच में, बीच वाले स्पेस में यहाँ पे चार डबल क्रोशिया बना देंगे। एक दो तीन चार, इस तरह से चार डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ पे फिर से मोती ले लेंगे एक, ये देखिए मोती ले लिया, नोट बना लेंगे यहाँ पे इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे फिर से इधर की साइड पांच डबल क्रोशिया बना देंगे। एक दो तीन चार, एक इसके ऊपर बना देंगे यहाँ पे, ये हो जाएंगे हमारे पांच, पांच डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तीन चेन बना के फिर से घूम जाएंगे इधर की साइड। ये देखिए इसी तरह से रिपीट करते जाना है। पांच डबल क्रोशिया, मोती ले लेंगे बीच में, यहाँ पे चार डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर मोती ले लेंगे, फिर इधर की साइड पांच डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये हमें तोरण पट्टी कंप्लीट करनी है अपनी पूरी। ये देखिए इस तरह से तोरण पट्टी पूरी बना लेंगे। ये मेरी 37 इंच की लंबी पट्टी है। ये देखिए इस तरह से बनाई है मैंने, येलो कलर का बॉर्डर बनाया है इसमें। तो बॉर्डर बनाना मैं आपको बताती हूँ अभी कैसे बनाना है। ये देखिए इस तरह से बॉर्डर बनाएंगे, बताती हूँ। ये देखिए हमारे इसमें डबल क्रोशिया आ रहे हैं ये साइड में। ये देखिए यहाँ पे सारे में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे येलो कलर से, इस तरह से सारे डबल क्रोशिया में। एक दो, इस तरह से दो दो सिंगल क्रोशिया। अब आगे वाले इसमें एक दो, दो दो सिंगल क्रोशिया बनाना है बस सारे इसमें, और कुछ नहीं करना इसके बॉर्डर में। इस तरह से दो दो सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। बहुत ईजी सा डिज़ाइन है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से दो दो सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से, और जो यहाँ कॉर्नर पे हमें तीन तीन सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, इस वाले कॉर्नर पे भी तीन सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। बस इसी तरह से बनाना है हमें, दो दो सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। और यहाँ पे एक 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 चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में दो दो सिंगल क्रोशिया ही बनाने हैं। ये साइड से भी ऐसे ही बनाना है ये हमें। ये देखिए यहाँ से भी एक चेन छोड़ के आगे वाली में, ये देखिए यहाँ से एक चेन छोड़ के आगे वाली चेन में दो दो सिंगल क्रोशिया बनाने हैं सारे में। इस तरह से अब ये मोती छोड़ देंगे तो आगे वाली चेन में बना लेंगे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से ये वाली छोड़ के बीच में, इस तरह से दो दो सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, और कॉर्नर पे हमें तीन सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए यहाँ कॉर्नर पे हमें तीन सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक दो तीन, बस इसी तरह से बॉर्डर कंप्लीट करना है हमें। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए तोरण पट्टी हमारी कंप्लीट हो गई। धागा सुई से एडजस्ट कर देंगे, इस तरह से बना लेंगे। अब देखिए आगे डिज़ाइन बनाने के लिए, नीचे लटकाने के लिए मैंने हाफ सर्कल बनाए, पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं किया। ये देखिए इस तरह से एक मैजिक रिंग बना के, ये देखिए एक चेन बना लेंगे यहाँ पे। तो अब हमें इसमें पफ बनानी है। पहले इस तरह से धागा खींच लेंगे, चार लूप लेने हैं, एक ये हो गया, दो तीन चार, चार लूप लेके इसको बंद कर देंगे पफ को इस तरह से, और एक चेन बना लेंगे यहाँ पे। फिर से लेंगे तो इस तरह से हमें आठ पफ बनाने हैं इसमें। एक दो तीन चार, चार लूप लेके इसको बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से एक चेन बना लेंगे, फिर से चार लूप, एक
दो तीन चार, पफ को बंद कर देंगे, एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से इसमें हमें आठ पफ बनाने हैं। ये देखिए मैंने इसमें आठ पफ बना लिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ पफ बनाने टोटल हमें। ये बंद कर देंगे मैजिक रिंग को इस तरह से। यहाँ पे एक चेन बना ली है मैंने। अब देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे इसको, इधर स्लिप स्टिच बना देंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमें बीच में जाना है, पफ के बीच में जाना है, यहाँ पे स्लिप स्टिच बना देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमें फिर से पफ बनाने हैं, तो ये धागा खींच लेंगे, एक लूप हो गया, चार ही लूप लेने हैं हमें फिर से, दो तीन चार, चार लूप लेके पफ को बंद कर देंगे। अब इसी वाले इसमें हमें एक और पफ बनाना है, इसी वाले इसमें गैप में चार लूप ले लेंगे, एक दो तीन चार, चार लूप लेके पफ को बंद कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमें एक चेन बनानी है, दो पफ के बीच में नहीं बनानी, दो के बाद एक चेन बनानी है। अब देखिए आगे वाले इसमें आ जाएंगे गैप में, यहाँ पे इनके बीच में जो गैप है यहाँ पे फिर से पफ बना लेंगे, एक दो तीन चार, चार पफ बना के बंद कर देंगे इसको इस तरह से। फिर से एक और पफ बना लेंगे इसी वाले इसमें ही, दो बनाने एक में ही, एक दो तीन चार, चार लूप लेके इसको बंद कर देंगे पफ को। दो हो गए इसमें, तो यहाँ पे अब हमें एक चेन भी बनानी है, दो के बाद एक चेन बनानी है इस तरह से। अब आगे वाले इसमें आ जाएंगे, तो इसी तरह से ये राउंड हमें कंप्लीट करना है। इसमें दो दो पफ बनाएंगे, चार चार लूप लेके, देखिए इस तरह से पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए ये राउंड हमें इतना ही बनाना है, यहाँ से दो गैप हैं जो, एक और एक दो, दो गैप हमें छोड़ने हैं, यहीं तक बनाना है ये वाला राउंड हमें। देखिए इतने हो गए, दो चार छः आठ दस बारह, टोटल हमें बारह पफ बनाने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, छः गैप में बारह पफ हो गए, दो दो बनाए हैं हमने। तो ये दो वाले दो जो गैप बचे हुए हैं इनके, ये हमें छोड़ने हैं, यहाँ हमें कुछ नहीं बनाना। तो अब यहीं से घुमा लेंगे इस तरह से, सॉरी यहाँ से तीन चेन बना लेंगे, एक दो तीन, तीन चेन बना के यहीं से घूम जाएंगे इस तरह से। अब देखिए इनके बीच में जो यहाँ गैप है, तीन तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं, तो एक ये हमारा हो गया यहाँ पे तीन चेन से। अब इनके बीच में दो और बना लेंगे, दो हो गए, एक और बना लेंगे, तीन, तीन तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब इसके बीच में यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक दो, एक और बना लेंगे तीन, इस तरह से तीन तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं सारे गैप में। अब इनके बीच में बना लेंगे यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन, इसी तरह से सारे गैप में तीन तीन डबल क्रोशिया बनाने सारे पफ के बीच में। ये मैं बना लेती हूँ, ये देखिए लास्ट में दो डबल क्रोशिया इसमें बीच में बना दिए, एक इसके ऊपर बना लेंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाया था इस तरह से, तो यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा इस तरह से, एक इसके पफ के ऊपर बना देंगे डबल क्रोशिया। यहाँ पे धागा कट कर देंगे। अब हमें येलो कलर का धागा लगाना है यहाँ से, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से येलो कलर का धागा लगा लेंगे, ये देखिए यहाँ से येलो कलर का धागा लगाएंगे। तो ये डबल जो क्रोशिया बनाए हुए हमने, एक डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ बीच में से इस तरह से येलो कलर का धागा लगाना है हमें येलो कलर से। ये देखिए एक नॉट बना लेंगे, इसमें से ही एक सिंगल क्रोशिया बना के यहाँ पे हमें पफ बनाने हैं, एक, तो इस वाले पफ में हमें पांच लूप लेने हैं, दो तीन चार, एक और ले लेंगे पांच, पफ को बंद कर देंगे यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे दो चेन बना लेंगे, एक दो, दो चेन बना के अब देखिए यहाँ पे हमें दो दो डबल क्रोशिया छोड़ने हैं बीच में, एक दो, दो छोड़ के इस वाले गैप में, तीसरे वाले गैप में पफ बना लेंगे, एक पांच लूप लेने हैं हमें, दो तीन चार, एक और ले लेंगे पाँच, पफ को बंद कर देंगे यहाँ पर इस तरह से। दो चेन बना लेंगे, एक दो, अब आगे वाले दो दो डबल क्रोशे छोड़ने, एक दो, दो डबल क्रोशे छोड़ के यहाँ पे इधर की साइड फिर से पफ बना देंगे, बीच में हमें दो दो डबल क्रोशे ही छोड़ने हैं सारे में, एक दो तीन चार, एक और बना देंगे पाँच, पाँच लूप लेके पफ को बंद कर देंगे यहाँ पे, दो चेन बना लेंगे इस तरह से। दो डबल क्रोशिया छोड़ के फिर से अब इसमें आगे वाले में दो दो डबल क्रोशिया छोड़ने हैं हमें, इसमें फिर से पफ बना लेंगे यहाँ पे पांच लूप लेके, एक
दो तीन चार पाँच, पाँच लूप लेके इसको बंद कर देंगे। इस तरह से पफ बन जाएगा हमारा, दो चेन बना लेंगे। तो ये राउंड हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है, दो दो डबल क्रोशिया छोड़ के हमें पफ बनाना है इसमें सारे में यहाँ तक। ये देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे लास्ट में हमारे दो डबल क्रोशिया बचेंगे इधर की साइड, यहाँ तक बन जाएगा कंप्लीट। ये देखिए इस तरह से अब यहाँ पे तीन चेन बना लेंगे, एक दो तीन, तो एक डबल क्रोशिया काउंट होता है, इधर घुमा लेंगे। बीच में यहाँ पे हमें तीन तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं, तो एक हमारा यहाँ बन गया, दो और बना लेंगे, दो ये हो गए तीन, तीन तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं हमें। अब आगे वाले इसमें बना लेंगे तीन तीन डबल क्रोशिया, सारे गैप में बनाने हैं, एक दो, एक और बना लेंगे तीन। अब आगे वाले गैप में इसमें तीन तीन डबल क्रोशिया ही बनाने हैं सारे गैप में, एक दो, एक और बना लेंगे तीन। तो इस तरह से तीन तीन डबल क्रोशिया सारे गैप में इनमें बनाने हैं यहाँ पे पूरे यहाँ तक। देखिए ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया, मैंने काट दिया यहाँ पे, येलो कलर का धागा कट कर दिया, दो इसमें बना के एक हमें पफ के ऊपर बनाना है लास्ट वाला, जैसे हमने इधर की साइड बनाए वैसे ही हो जाएंगे ये भी। अब यहाँ से हमें रेड कलर का धागा लगाना है इधर। ये देखिए यहाँ पे ये जो चेन बनी हुई है, इन चेन में हमें सारी में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। पहले एक चेन बना लेंगे यहाँ पे इस तरह से, इसमें ही हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ से शुरू करेंगे, एक चेन बनाएंगे बीच में। अब आगे वाले में एक सिंगल क्रोशिया, सारी चेन में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और बीच में एक एक चेन बनाएंगे। ये देखिए एक चेन बना देंगे, अब इस वाली चेन में सिंगल क्रोशिया, आगे वाली में पूरा राउंड हमें ऐसे ही कम्प्लीट करना है। एक चेन बना लेंगे यहाँ पे, आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन बना लेंगे, आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन बना लेंगे। पूरा राउंड हमें ऐसे ही कम्प्लीट करना है, इसमें एक सिंगल क्रोशिया और एक चेन बना लेंगे। तो पूरे राउंड में सारी चेन में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। ये देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ ऊपर हमें इसकी यहाँ पे थोड़ी सी आउटलाइन करनी है। ये देखिए ये वाला येलो वाले में हमें तीन सिंगल क्रोशिया बनाने, कोने वाले में एक दो, एक यहाँ पर बना देंगे इधर, देखिए ये वाले में तीन, तीन सिंगल क्रोशिया हो गए, तीन चेन बना लेंगे, एक दो तीन। इसको छोड़ के यहाँ पे इसमें ये देखिए हमारे यहाँ पे दो डबल क्रोशिया हैं, यहाँ पे दो बचे हुए हैं तो दोनों को ही ले लेंगे। दूसरी साइड हमारा एक बचा हुआ है क्योंकि, तो वो हमें एक ही लेना है। इधर की साइड एक बचा हुआ था यहाँ पे शुरू में, यहाँ पे दो बचे हुए हैं तो दोनों को ही ले लेंगे एक साथ। इस तरह से दो चेन बना, दो सिंगल क्रोशिया बना दिए, यहाँ पे बना देंगे एक तीसरा। ये देखिए इस तरह से बना देंगे। अब जो ये वाला पफ है इसमें तीन सिंगल क्रोशिया, इस तरह से आधे धागे ले लेंगे, हाफ, एक हो गया, दो हो गए, एक और बना देंगे, तीन सिंगल क्रोशिया बना देंगे, यहाँ आ जाएंगे बीच में इस तरह से। ये देखिए खिंचाव नहीं होना चाहिए, अगर आपकी ऊन पतली या मोटी भी है तो आप इस करके देख लेंगे, एक दो कम ज़्यादा भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं है, आप अपनी ऊन के अकॉर्डिंग बना लेना। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे दो सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, इसमें आगे वाली चेन में बना लेंगे, यहाँ आ जाएंगे आगे, दो सिंगल क्रोशिया बना देंगे इसमें। अब देखिए इस वाले पफ में यहाँ पे तीन सिंगल क्रोशिया, एक दो तीन, तीन सिंगल क्रोशिया बना देंगे, आगे आ जाएंगे इस वाले में। देखिए यहाँ पे एक ही सिंगल क्रोशिया है तो एक ही ले लेंगे, सॉरी ये डबल क्रोशिया जो बच रहा था एक है इधर की साइड, इधर की साइड हमारे दो थे तो हमने दोनों एक साथ ले लिए, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारा एक ही है। तो इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे, दो बना दिए, यहाँ पर तीन चेन बना लेंगे, दो तीन, ये वाला पफ हमें छोड़ना है, यहाँ आ जाएंगे इस वाले गैप में चेन बना लेंगे, सॉरी एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब आगे वाले में एक दो, दो सिंगल क्रोशिया हो गए। अब जो ये गैप है इसमें बना देंगे यहाँ पे, तीन हो गए टोटल। अब देखिए यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग की थी, यहाँ से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे इस तरह से। तो देखिए एक बार मैं दिखा देती हूँ, ये इस तरह से इसका यहाँ से फिनिशिंग हो जाएगी इसकी बॉर्डर की। अब देखिए यहाँ से हमें इसमें एक और एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, यहाँ से हमें इधर का डिज़ाइन स्टार्ट करना है, एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। एक लूप लिया, एक चेन छोड़नी है हमें बीच में, आगे वाली चेन में एक छोड़ के आगे वाली में यहाँ पे इधर गैप में सात डबल क्रोशिया बना देंगे, एक दो तीन चार
5 6 7 7 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पे देखिए एक गैप छोड़ना है हमें, आगे वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे एक इस तरह से। अब एक लूप लिया, ये वाला गैप छोड़ के एक वाला आगे वाले में 7 डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गए 7। इस तरह से देखिए बन जाएगा डिज़ाइन हमारा। ये एक गैप छोड़ के आगे वाले में एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, इस तरह से एक एक छोड़ के बनाना है। ये देखिए पूरे हमें यही डिज़ाइन कंप्लीट करना है यहाँ तक। ये मैं बना लेती हूँ अभी। ये देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक चेन बना के धागा कट कर देंगे, सुई से एडजस्ट कर देंगे पीछे धागा। इस तरह के हमें 9 पीस बनाए मैंने ये वाले, लेकिन अभी ने तोरण पट्टी में एडजस्ट करेंगे। ये देखिए मैंने एक साइड से ये 2 पार्ट मैंने इसमें लगा दिए, एक ये वाला एक ये वाला। अब लास्ट वाला है, इसे बताती हूँ वैसे लगाना है, सेम ही लगाएं बिल्कुल सारे। ये देखिए इस तरह से यहाँ से ऊपर से मैंने ये मोतियों से जोड़ा है ये वाला, इससे यहाँ से ये बिल्कुल टच नहीं किया है, ये मोती लगाए हैं यहाँ पे। 3-3 पार्ट के बनाए। देखिए एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। इसमें कोई फिक्स नहीं है, आप इसमें बीच में इस तरह से देखिए इसको रख के देख लेंगे इस तरह से, कहाँ पे ये फिक्स आ रहा है वहीं पे हमें मार्कर लगाना है इस तरह से, क्योंकि ये ऊन का फ़र्क हो जाएगा। अगर आप काउंट करके लगाओगे तो आपका गलत हो जाएगा। अगर आपकी पतली ऊन है तो भी इधर उधर हो जाएगा, और मोटी है तो भी। तो देखिए यहाँ पे वैसे मैंने बीच में 4-4 का गैप किया है, 4 ये वाले जो सिंगल क्रोशिया हैं येलो कलर के, बीच में 4-4 छोड़े हैं, और इन दोनों के गैप में मैंने यहाँ पे 7 छोड़े हैं। अगर सेम ऊन है तो सेम ही बनेगा। तो ऐसे रख के देख लेना आप, जहाँ पर भी ये सही आ रहा है इस तरह से मार्कर लगा लेंगे, और एक बीच में लगा देंगे यहाँ पे। ये देखिए येलो वाले पफ के इधर लगाया है, ये येलो वाले पफ के इधर लगाया है मैंने, इस तरह से मार्कर लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे लगेगा इस तरह से, इस तरह से, और एक इसके नीचे यहाँ पे। तो ये मैं बताती हूँ आपको कैसे लगाना है। अभी सिलाई करेंगे सुई से मोती लगा के। यहाँ पे गैप देखिए बीच में 4-4 का गैप आएगा, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये 7 छोड़े हुए मैंने डबल क्रोशिया, ये देखिए। और आप ऐसे लगा के देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, फिट बैठेगा बिल्कुल मार्कर लगा के। तो पहले इसे लगाएंगे हम, फिर इसे बाद में इसके मार्कर लगाऊंगी मैं, और नीचे इसकी सिलाई करेंगे, और यहाँ पे इधर की साइड मोती लगाएंगे। तो अभी लगाने बताती हूँ मैं कैसे लगाने हैं। ये देखिए पहले वाले इसमें लगाएंगे मार्कर में, यहाँ पर ये एक 10 mm का मोती है मेरा बड़ा, और यहाँ पर बीच में 2 मोती लगाएंगे छोटे वाले 6 mm के हैं, और आगे पीछे एक एक ही लगाएंगे। तो यहाँ पे एक नोट बना लेंगे, पहले सारे मोती इसी तरह से ही लगाने हैं। ये देखिए इस तरह से इसी धागे को यहाँ बीच में लेंगे, एक मोती एक लाइन हमें बीच में लगानी है बिल्कुल दोनों के बीच में। यहाँ पे इसी धागे को ले आएंगे पीछे से,
ये देखिए इस तरह से लग गया ये वाला। अब ये हमें बीच में से ये भी जोड़ना है यहाँ से, ये देखिए यहाँ से जो ये है ऊपर वाले हमने सारे ही जोड़ने हैं ये वाले यहाँ से। ये देखिए रेड कलर के धागे से एक नोट बना लिया यहाँ पे, हम इनको जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से सारे जोड़ने हैं ये वाले, ये इधर से मैंने जोड़े हुए हैं ये वाले दोनों, ये दो ही पार्ट जोड़ने हैं बस यहाँ से। अब इधर की साइड भी मैं एक लगा लेती हूँ, सेम ही लगाना है बिल्कुल, और फिर इनके नीचे लगाएंगे एक। ये देखिए दूसरा वाला पार्ट भी मैंने लगा दिया है, इसमें मोती लगा दिए हैं। और देखिए यहाँ तीन मोती हमें यहाँ कॉर्नर पर लगाने हैं, इधर इस वाले कॉर्नर पर मैं दूसरी साइड भी लगाए हैं, तीन मोती लगाने हैं यहाँ पर। अब देखिए इसमें नीचे लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से सिंपल सिलाई ही करनी है, कुछ नहीं करना, ऐसे रख के देख लेंगे। ये जोड़ने के बाद देखिए एक दो डिज़ाइन छोड़ के तीसरे वाले में जोड़ेंगे, यहाँ से भी दो डिज़ाइन छोड़ के तीसरे वाले में रेड कलर की ऊन से सिलाई कर देंगे। ये देखिए इधर की साइड से यहाँ पे एक टांका लगा देंगे, ये देखिए दोनों साइड से सिलाई कर दी। अब बीच में हम इनके बीच में यहाँ पे मोती लगाएंगे, इन दोनों के गैप में यहाँ पे मोती लगाएंगे और झालर लगाएंगे नीचे लटकन ये वाली। ये देखिए इस तरह से पूरा दिखा देती हूँ एक बार आपको, यहाँ पर मोती लगाने समझ में आ जाएंगे आपको। ये देखिए इन दोनों के बीच में यहाँ पर मोती लगाए हैं हमने, अब इन दोनों के बीच में लगाएंगे जो नीचे हमने ये लगाए हैं ये वाले डिज़ाइन, इनके बीच में लगाएंगे। देखिए इसमें मैंने यहाँ नोट बांध लिया है पहले वाले डिज़ाइन में, इसमें मैंने 36 मोती डाले हैं टोटल, और यहाँ पे इसमें इस तरह से नोट बना देंगे सुई से। ये देखिए धागा पीछे एडजस्ट कर देंगे, ये देखिए इस तरह से लगाने हैं हमें। एक छोड़ के बीच में ये वाला डिज़ाइन, दूसरे वाले डिज़ाइन में लगाएंगे, तीसरा वाला छोड़ के चौथे वाले डिज़ाइन में लगाएंगे, इस तरह से मोती लगानी है ये वाले। ये देखिए पहली लाइन में 36 मोती, दूसरी में हमें 40 लगाने हैं, और तीसरी वाली लाइन में हमें 56 मोती लगाने, 56 इस तरह से लगा लेंगे इस वाली लाइन में। ये देखिए इसमें मोती मैंने लगा दिए हैं तीनों लाइनों में, इसमें 36, 40 और 56 इस तरह से मोती लगाए हैं, 6 mm के मोती हैं। और इनमें देखिए ये वाली लटकन लगाएंगे ऐसे वाली, ये वाली लटकन बनानी है यहाँ, एक यहाँ लगाएंगे, देखिए वहाँ लगाइए, एक यहाँ पे लगाएंगे मोतियों के ऊपर, इसके नीचे और यहाँ भी लगानी है। तो मैं आपको ये लटकन बनानी सिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। ये देखिए झालर मैंने येलो कलर से बनाए हैं लटकन ये वाली हमारी, ये बताती हूँ कैसे बनती है।
ये देखिए एक लटकन लटका दिखा देती हूँ, सिंपल सुई से ही टांगने, कुछ नहीं करना। इसमें मैंने 3 मोती डाले हैं, यहाँ देखिए जो मोती रहे जो हमने मोतियों की लड़ी लगाई है इनके ऊपर बताया था मैंने आपको, यहाँ लगानी है। ये देखिए ये वाली लटकन लग गई हमारी, इनके नीचे लगा लेंगे यहाँ पे। देखिए जहाँ पे मोती लगाए हैं एक यहाँ लगानी है बीच में, एक इसके नीचे लगानी है, इसी तरह से लगा लेंगे। इसके नीचे 6 मोती लगाए हैं मैंने, ये देखिए मैंने इसमें लटकन लगा दिए हैं बीच में, नीचे भी लगा दिए हैं दोनों के यहाँ पे, और देखिए साइड में भी ये लटकन लगाई है मैंने लंबी वाली। आप छोटी बड़ी अपने हिसाब से बना सकते हो इनको, तो जितनी लंबी आपको करनी है। मैं आपको अभी पूरा दिखाती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए यहाँ पे भी मैंने मोती से लिए इनके ऊपर एक एक 10 mm के मोती हैं, जो हमने ऊपर लगाए थे वही साइज़ है। अभी आपको पूरा दिखाती हूँ, ये देखिए हमारा तोरण बन के कम्प्लीट हो गया। पूरा दिखा देती हूँ आपको, इस तरह से लगा के अच्छे से दिख जाएगा। ये देखिए ये वाले मोती मैंने बता दिए कितने कितने लगाने हैं आपको। देखिए लटकन पास से दिखा देती हूँ, ये वाली नीचे हमने ये 3 डिज़ाइन लगाए हैं, तीनों में लटकन लगानी है और 6 मोती लगाए हैं इन लटकन में मैंने, इन वाली में येलो वाली में और बीच में इनमें भी लगाए हैं। मोती के ऊपर जो लटकन लगाई है इसमें मैंने 3 मोती लगाए हैं, इसमें भी 3 लगाए हैं। मोती के ऊपर जो लटकन लग रही है, बीच में ये जो लग रही है इनमें मैंने मोती नहीं लगाए हैं इस, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है तो मैंने ऐसे ही झालरी लगा दी है ये लटकन ही। ये देखिए इस तरह से एक इस कोने पर लगाया है, एक उस कोने पर लगाया है उधर। ये देखिए साइड ये जो ये पहले वाले में ये वाली लटकन लगाई है लंबी वाली, और यहाँ लास्ट वाले में लगाई है ये वाली 3। ये देखिए यहाँ पे इसमें 6 मोती हैं, बीच वाली में 20 मोती हैं और इसमें 37 मोती हैं इस वाले में। ये छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। ये देखिए इनके बीच में मैंने मोती लगाए, ये 10 mm के मोती हैं ये वाले, जो यहाँ पर यूज़ करें वैसे ही वाले हैं यहाँ पर। तो इसमें कितने मोती हैं, कितने साइज़ के हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है बनने के बाद,